गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने किसकी रिवीजन की थी? जी हाँ, हमने व्यंजन पढ़े थे। बच्चों मुझे बताओ कौन से व्यंजन पढ़े थे, कौन से व्यंजन की रिवीजन की थी? यस, हमने क से द तक की व्यंजन की रिवीजन की थी। मुझे आशा आप सबको क से द तक के व्यंजन समझ आए होंगे, उसकी रिवीजन समझ आई होगी। तो बच्चों अब हम आधे बचे हुए व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ध से घ तक जो व्यंजन बचे वो पढ़ेंगे। बच्चों क्या आप सब रेडी हो रिवीजन के लिए? आगे बची हुई व्यंजनों की रिवीजन बाकी है, उसके लिए आप रेडी हो? तो चलो अब हम रिवीजन करना, बची हुई व्यंजन की रिवीजन करना स्टार्ट करते, ठीक है? ध, ध से धनुष, ध से धनुष। धनुष का इस्तेमाल बाण चलाने के लिए किया जाता है। धनुष का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? धनुष का इस्तेमाल बाण चलाने के लिए किया जाता है। यह बहुत प्राचीन कला है। धनुष चलाना क्या है? बहुत प्राचीन कला है। बच्चों क्या आपने धनुष देखा है? आप लोगों ने टीवी पे तो देखा ही होगा धनुष को। मुझे बताओ किसने किसने धनुष को देखा है? यस, आप लोगों ने टीवी में तो देखा ही होगा और धनुष बाण चलाते हुए भी देखा होगा ना, धनुष बाण चलाते भी देखा होगा। तो ध से क्या आता है मुझे बताओ? यस, ध से धनुष, ध से धनुष। नेक्स्ट न, न से क्या आता है बताओ, बताओ बताओ न से क्या आता है? यस, न से नल, न से नल। नल यानी जिसको हम बोलते हैं टैप, नल यानी टैप। स्टूडेंट्स क्या आपके घर पे नल लगाया हुआ है? क्या आपके घर पे नल है? मुझे तो लगता है सबके घर पे तो नल होगा ही। बच्चों मुझे बताओ नल से क्या आता है, बताओ बताओ क्या आता है नल से? जी हाँ, नल से पानी आता है। नल से क्या आता है? नल से पानी आता है। तो न से क्या आता है मुझे बताओ? न से नल, नल यानी टैप। प, स्टूडेंट्स मुझे बताओ प से क्या आता है? यस, प से पतंग। प से क्या आता है? प से पतंग, पतंग यानी काइट। बच्चों आप लोगों ने पतंग उड़ाया है? बच्चों मुझे बताओ किसने किसने पतंग उड़ाया है? बच्चों आपको पता है संक्रांत में ज्यादातर पतंग उड़ाया जाता है। बच्चों पतंग अलग अलग रंग का और अलग अलग शेप्स में भी मिलता है। पतंग कैसा होता है? अलग अलग रंग और अलग अलग शेप्स का होता है पतंग। आप लोगों ने पतंग उड़ाया कभी? वेरी गुड, आप लोगों ने पतंग तो उड़ाया ही होगा। तो प से क्या आता है? प से पतंग, पतंग यानी काइट। नेक्स्ट फ, फ से क्या आता है? फ से फल, फल यानी फ्रूट, जिसको हम फ्रूट बोलते हैं इंग्लिश में। बच्चों क्या आप लोगों ने फ्रूट्स खाए हैं? मुझे बताओ किसने किसने फ्रूट्स खाए, किसने किसने फ्रूट्स खाए? बच्चों मुझे बता आपको कौन कौन से फ्रूट खाना पसंद है, कौन कौन से फल खाना आप लोगों को पसंद है? आप लोगों ने कौन कौन से फल खाए हैं? बताओ बताओ। मार्केट में तो बहुत सारे फल मिलते हैं, मार्केट में बहुत सारे फल मिलते हैं। आप लोगों ने उसमें से कौन सा फल खाया है, कौन सा फ्रूट खाया है
यस, तो फ से क्या आता है? फ से फल, फल यानी फ्रूट। नेक्स्ट ब, ब से बकरी, ब से क्या आता है? ब से बकरी, बकरी यानी क्या? गोट, बकरी यानी गोट। बच्चों बकरी एक प्राणी है, बकरी एक क्या है? बकरी एक प्राणी है, एनिमल है। बच्चों क्या आपने बकरी को देखा है? बता मुझे, बकरी एक पालतू पशु है, बकरी एक पालतू पशु है जिसे दूध और मांस मिलता है। बकरी से क्या मिलता है? दूध और मांस। विश्व में बकरियां पालतू और जंगली रूप में पाली जाती है। तो ब से क्या आता है मुझे बताओ? ब से बकरी, बकरी यानी गोट। नेक्स्ट भ, भ से क्या आता है? भालू, भ से भालू, भालू यानी बियर, जिसको हम बोलते हैं बियर। भालू एक एनिमल है, भालू एक प्राणी है। क्या है? भालू एक एनिमल है। भालू का शरीर बड़ा होता है, भालू का शरीर कैसा होता है? बड़ा होता है। भालू की मोटी टांगे और पूरे बदन पर घने बाल होते हैं, इसके पूरे बदन पर घने बाल होते हैं। भालू ज्यादातर मांस मच्छी खाता है, भालू ज्यादातर क्या खाता है? मांस मच्छी खाता है। भालू ब्राउन कलर का होता है, कौन से कलर का होता है भालू? भालू ब्राउन कलर का होता है। तो भ से क्या आता है? भ से भालू, भालू यानी बियर। नेक्स्ट म, म से मछली, म से मछली, मछली यानी फिश। मछली हमेशा पानी में रहती है, मछली हमेशा कहाँ रहती है? पानी में रहती है, वह पानी के बाहर रह नहीं सकती। मछली पानी के बाहर रह नहीं सकती, वह हमेशा पानी में ही रहती है। मछली एक जलचर प्राणी है, मछली एक जलचर प्राणी है। मछलियाँ ज्यादातर समुद्र और में पाई जाती है। आप लोगों ने मछली तो देखी होगी, आप लोगों ने मछली तो देखी होगी ना? यस, मुझे बताओ आप लोगों ने मछली को कहाँ देखा है? आप लोगों को मछली का वो सॉन्ग पता है, फिश का? मछली जल की रानी है। यस, तो म से क्या आता है? म से मछली, मछली यानी फिश। नेक्स्ट है य, नेक्स्ट है य, य से यज्ञ, य से यज्ञ। नेक्स्ट र, र से रस्सी, र से क्या आता है? र से रस्सी, रस्सी यानी रोब, जिसे हम रोब बोलते हैं। बच्चों आप लोगों ने रस्सी को तो देखा ही होगा, बच्चों आप लोगों ने रस्सी को तो देखा ही होगा ना? रस्सी का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? रस्सी का इस्तेमाल अलग अलग कुछ ना कुछ सामान बांधने के लिए या अलग अलग चीजों के लिए किया जाता है रस्सी का इस्तेमाल। तो र से क्या आता है मुझे बताओ? र से रस्सी, रस्सी यानी रोप। और र से रस्सी भी आता है और र से रथ भी आता है। तो नेक्स्ट है ल, ल से क्या आता है? ल से लड्डू, ल से क्या आता है? ल से लड्डू। बच्चों मुझे बताओ लड्डू कैसा होता है? बताओ बताओ, लड्डू मीठा होता है। लड्डू कैसा होता है? लड्डू मीठा होता है और लड्डू गोल भी होता है। मीठा होता है और लड्डू कैसा होता है? गोल भी होता है। आप लोगों ने लड्डू खाया है? बताओ मुझे, आप लोगों ने लड्डू खाया है? आप लोगों ने लड्डू तो खाया ही होगा।
किसने किसने लड्डू खाना पसंद है मुझे बताओ, किसको किसको लड्डू खाना पसंद है बताओ मुझे। यस, लड्डू तो सबको खाना पसंद है। लड्डू अलग अलग चीजों से बनाया जाता है, लड्डू अलग अलग चीजों से बनाया जाता है। तो ल से क्या आता है, ल से लड्डू। ल से क्या आता है, ल से लड्डू। नेक्स्ट व, व से वकील। व से वकील, वकील यानी एडवोकेट, वकील यानी एडवोकेट। बच्चों आप लोगों ने वकील को कहाँ देखा है मुझे बताओ, आप लोगों ने वकील को कहाँ देखा है, वकील कहाँ काम करता है बताओ मुझे। जी हाँ, वकील कोर्ट में काम करता है। वकील कहाँ काम करता है, वकील कोर्ट में काम करता है। वकील कोर्ट में केस लड़ने का काम करता है। वकील कोर्ट में क्या, केस लड़ने का काम करता है। मुझे बताओ बड़े होकर कौन कौन वकील एडवोकेट बनना चाहेगा, किसको किसको बनना है एडवोकेट। यस, तो व से क्या आता है, व से वकील। व से क्या आता है, व से वकील। यस, नेक्स्ट है श, श से क्या आता है मुझे बताओ। श से शेर, श से क्या आता है, श से शेर। शेर यानी लायन, शेर यानी लायन। बच्चों हमारे जंगल का राजा कौन है मुझे बताओ, बताओ मुझे हमारे जंगल का राजा कौन है। जी हाँ, हमारे जंगल का राजा शेर है। हमारे जंगल का राजा कौन है, हमारे जंगल का राजा शेर है। शेर एक जंगली प्राणी है, शेर एक जंगली प्राणी है। क्या आप लोगों ने शेर को देखा है, आप लोगों ने टीवी में या जू में तो शेर को देखा ही होगा, टीवी में नहीं तो जू में शेर को देखा ही होगा। शेर को शिकार करना पसंद है, शेर को क्या करना पसंद है, शेर को शिकार करना पसंद है। और शेर जंगल का राजा है, कौन जंगल का राजा है, शेर, शेर यानी लायन, वो हमारे जंगल का राजा है। तो श से क्या आता है, श से शेर, शेर यानी लायन। नेक्स्ट है श, श से षटकोण, श से षटकोण। नेक्स्ट स, स से सेब, स से सेब। सेब यानी एप्पल, सेब एक फल है। सेब एक क्या है, सेब एक फल है, फ्रूट है सेब। सेब का रंग लाल है, सेब का रंग कौन सा होता है, एप्पल का रंग कौन सा होता है मुझे बताओ। यस, एप्पल का रंग लाल होता है। बच्चों क्या आपने एप्पल खाना पसंद है, क्या आपको एप्पल खाना पसंद है मुझे बताओ, किसको किसको एप्पल खाना पसंद है बताओ बताओ। आप लोगों ने सेब तो खाया ही होगा, आप लोगों ने सेब तो खाया ही होगा। सेब खाना किसको किसको पसंद है, ये सेब हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। सेब जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा और हेल्दी रहता है, उसमें विटामिन्स होते हैं। हम लोगों को सेब जो है वो हम लोगों को रोज खाना चाहिए। सेब वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है सेब। तो स से क्या आता है, स से सेब, सेब यानी एप्पल। वेरी गुड। नेक्स्ट ह, ह से हाथी, ह से हाथी। हाथी यानी एलिफेंट, हाथी यानी एलिफेंट।
हाथी एक बड़ा प्राणी है, हाथी एक बड़ा प्राणी है, एनिमल है बड़ा एक। आप लोगों ने हाथी को जंगल में या सर्कस में देखा ही होगा, आप लोगों ने हाथी को जंगल में या सर्कस में देखा ही होगा ना। हाथी की सवारी भी की जाती है। किसने किसने हाथी की सवारी की है मुझे बताओ, आप लोगों ने कभी हाथी की सवारी की है? हाथी एक विशाल जानवरों में से एक है, हाथी एक विशाल जानवरों में से एक है। हाथी एक जंगली जानवर है, हाथी एक जंगली जानवर है, और हाथी को पालतू जानवर के रूप में भी रख सकते हैं, और हाथी को पालतू जानवर के रूप में भी रख सकते हैं। तो ह से क्या आता है मुझे बताओ, ह से हाथी। हाथी यानी क्या, एलिफेंट। ह से हाथी भी आता है यानी एलिफेंट, और ह से हिरन भी आता है यानी डियर। नेक्स्ट श, श से क्षत्रिय। श से क्या आता है, श से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, श के बाद आता है त्र, त्र त्र से क्या आता है, त्र से त्रिशूल। नेक्स्ट ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। स्टूडेंट्स मैंने आपको ध से ज्ञ तक समझाया, रिविजन ली वो समझ आ गई, वेरी गुड। अभी मैं आपको वर्कबुक, आपको वर्कबुक ओपन करनी है, अब हम वर्कबुक में पढ़ेंगे, उसकी रिवीजन करेंगे। मैं आपको वर्कबुक में है वो व्यंजन जो है बचे हुए ध से ज्ञ तक, वो उसकी रिवीजन अभी हम लोग वर्कबुक में करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 3, पार्ट पहला, हिंदी वर्णमाला। हमने स्वर की ऑलरेडी रिवीजन की, और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की क से द तक रिवीजन लास्ट लेक्चर में की थी, और मैंने आज के लेक्चर में आपको ध से ज्ञ तक भी पढ़ाया। अभी आप, मैं आपको सवाल पूछूंगी, आप लोग मुझे बताना, ठीक है। ध से धनुष, न से नल, वेरी गुड। प से पतंग, फ से फल, ब से बकरी, भ से भालू, यस। म से मछली, य से यज्ञ, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वकील, श से शेर, श से षटकोण, स से सेब, ह से हिरन या हाथी, श से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, वेरी गुड। स्टूडेंट्स आपकी मैंने ये जो रिवीजन ली वर्णमाला की, स्वर व्यंजन, वो आपको सब समझ आ गए। अभी मुझे आप लोग आंसर देना, टोटल कितने स्वर होते मुझे बताओ, वॉवल्स कितने होते टोटल? यस, टोटल 13 स्वर होते, 13 स्वर होते, और कॉन्सोनेंट्स मतलब व्यंजन टोटल कितने होते हैं व्यंजन? यस, टोटल 36 व्यंजन होते हैं, वेरी गुड। बच्चों आपको रिवीजन समझ आ गई ना, वेरी गुड, थैंक यू।